शुरुआत में उड़ते जहाजों को देखना ही एक बड़ी गल हुंदी सी, पर हौली हौली यह चीज़ आम हो गई। हुण तुसीं लगभग हर रोज़ किसी ना किसी हवाई जहाज नूं जां हैलीकॉप्टर नूं उड़दा देखते होंगे। तो अज भी जहाजों बारे कई तरह के सवाल ने जो लगभग सारयां दे दिमाग विच हुंदे ने पर उन्हां दा जवाब नहीं मिलता। अज इह वीडियो विच हैलीकॉप्टर बारे कुछ इहो जिहे सवालों ते उन्हां दे जवाब बारे गल करांगे जो कदे ना कदे तुहाडे दिमाग विच भी जरूर आए होणगे, जिवें भारत विच हैलीकॉप्टर नूं किराए ते किवें बुक कीता जांदा ते इहदे लई किन्ना खर्चा आउंदा, कि भारत विच कोई भी बंदा हैलीकॉप्टर खरीद सकदा है, इहदे बारे भी गल करांगे। भारत में बहुत सारे लोग ब्याह शादियों समय हैलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं, मतलब हैलीकॉप्टर किराए से लेंदे ने। एक हैलीकॉप्टर रेंट से लैन लई कितना खर्चा आता है, यह अलग अलग चीजों से डिपेंड करता है। जेकर सिंगल सीट या डबल सीट वाला एक छोटा हैलीकॉप्टर रेंट से लेंदे हो तो ये घट खर्चा आएगा। जेकर 5 से 7 लोगों के बैठने लिए एक बड़ा हैलीकॉप्टर बुक करते हो तो वो काफ़ी ज्यादा खर्चा आ सकता है। भारत में हैलीकॉप्टर प्रति घंटे के हिसाब न रेंट से लिया जाता है। रॉबिनसन हैलीकॉप्टर जिसके पायलट समेत 4 लोग बैठ सकते हैं, यह हैलीकॉप्टर 60,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब न भारत में किसी भी जगह से रेंट से लिया जा सकता है। 5 से 7 सीटा वाले कई कंपनियों के बड़े हैलीकॉप्टर भी भारत में रेंट लिए उपलब्ध ने, जिन्हों का रेंट प्रति घंटे के हिसाब से 3.5 से 4 लाख रुपए तक हो सकता है। तुम यह कह सकते हो कि हैलीकॉप्टर के साइज से काफ़ी ज्यादा डिपेंड करता है कि यदा रेंट कितना होगा। इस तो इलावा तुम कि जगह से उतारण हैलीकॉप्टर बुक कर रहे हो वो भी अलग अलग चार्जस देने पै सकते हैं। जेकर हैलीकॉप्टर लैंड कराने जगह नहीं हैगी तो अपने नेड़े एयरपोर्ट से बनी हुई किसी भी हैलीपैड से हैलीकॉप्टर मंगवा सकते हो, पर एयरपोर्ट चार्जस भी देने होंगे। ये सारिया गलों का मतलब यह नहीं कि हैलीकॉप्टर में सफर करने लिए घट्टो घट 50-60 हज़ार रुपया खर्च करने पैणगे। तुहानू दस दिए कि भारत में जिहड़ियां भी थावां ते लोग ज्यादा घूमण आउंदे ने इहो जिहियां थावां ते भी हैलीकॉप्टर्स सैलानियों लिए अवेलेबल ने, जिथे तुसीं लगभग 20 मिनटां दे अंदर 5 से 6 हज़ार रुपए में मुंबई वर्गे शहरां दा जां किसी भी पहाड़ी एरिए दा चक्कर लगा सकते हो। भारत में किसी भी जगह तो हैलीकॉप्टर बुक करने लिए वैसे तो बहुत सारिया वैबसाइट्स तुहानू इंटरनेट ते मिल जाणगियां, पर उन्हां विचों सब तो मशहूर है जस्ट डायल, जिथे हैलीकॉप्टर बुक करन दे नाल नाल तुहानू होर भी बड़ियां जानकारियां मिल जाणगियां। इत्थों तुसीं रेंट ते लैण लई अपने एरिया दीआं कारां गड्डियां बसां ते होर भी कई व्हीकल बुक कर सकदे हो। इस तों इलावा ब्याह शादियों लई किसी बिजनेस लई जां प्राइवेट हैलीकॉप्टर का अलग अलग रेंट हुंदा है। भारत में एक हैलीकॉप्टर का प्राइज कितना हुंदा है, तो भारत में बहुत सारिया एविएशन उद्योग कंपनियां ने जो देश में नवे जां वरते हुए हैलीकॉप्टर बेचदियां ने, जिसके डोमैसटिक मैनुफैक्चरिंग ते इंटरनेशनल डीलरशिप शामिल ने, पर इन्हां दी कीमत काफ़ी ज़्यादा हुंदी है। जेकर सब तो सस्ते घट पावर ते सिंगल सीट वाले हैलीकॉप्टर की गल करिए भारत में इहदी कीमत 38 से 40 लाख रुपए तक हुंदी है। बाकी हैलीकॉप्टर के अलग अलग मॉडल हुंदे ने ते हर किसी की अलग अलग कीमत हुंदी है जो कि करोड़ों में हो सकती है। नाल ही हैलीकॉप्टर के मालक नूं एक पायलट की भी जरूरत हुंदी है जिसनों हर महीने लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए देने हुंदे ने। इस तों इलावा एक सवाल यह भी है कि हैलीकॉप्टर में किहड़ा तेल वरत्या जाता है, तो तुहानूं दस दईए कि हैलीकॉप्टर में ज़्यादातर एविएशन कैरोसीन वरत्या जाता है जिसनों QA भी कहते हैं। एक मिट्टी के तेल की ही किस्म हुंदी है जिसनों हैलीकॉप्टर के नाल नाल कई होर जहाजों में भी वरत्या जाता है। जेकर हैलीकॉप्टर की माइलेज एवरेज की गल करिए, मतलब एक फुल फ्यूल टैंक नाल एक हैलीकॉप्टर कितनी दूरी तय करता है, तो यह हैलीकॉप्टर के अलग अलग मॉडलों से डिपेंड करता है, पर एवरेज की गल करिए एक फुल फ्यूल टैंक नाल हैलीकॉप्टर 250 से 400 माइलेज मतलब 400 से 650 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। उम्मीद करते हैं हैलीकॉप्टर बारे यह जानकारी तुहानू पसंद आई होगी। जेकर वीडियो चंगी लगे तो लाइक कर सकते हो, इहो जिहियां जानकारी वाली वीडियोज़ देखने लिए साडे चैनल नू सबसक्राइब भी कर सकते हो। जेकर तुसीं किसी खास टॉपिक ते वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके दस सकते हो, असीं जल्दी वीडियो लेके हाजिर होवांगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी होर वीडियो के नाल।